हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए हैं जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाई पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटीन्स, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुष, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिसिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेस फिल्म, इल एरेरो फिल्म, नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉर्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, थॉमस वुल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिज़्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल गोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टर्ट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक
सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिन्जे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया ज़िमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिसिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑड कैश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ट एज रॉबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो स्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, राफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल कोड, सिमोन हैम्प एज जोस ल्यूस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए।
ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिश रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुष, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जिमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंड एज स्ट्रोच,
राफेल फेडरमैन, एडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपे गोंजाल्स, ऑटोनो अस्क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कोर्टे, एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो एलोंजो एज अल्फ्रेडो, पेंचो डेगल गोड, सीमोन हैम्प एज जोस ल्यूस, फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, सिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जिमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म, नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स
और इसका रिलेटेड रहा है 9 सितंबर 2023 यानी का 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन, और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स। और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट। और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इन्जो वोग्रिनिशिस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रांस, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कॉर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो अलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरांडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी अपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे,
सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ। और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जिमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिस्विनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेस फिल्म, इल एरेरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, थॉमस वुल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिज़्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज एस्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो एस्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरांडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टर्ट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए हैं जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटीन्स, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जियोमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑड कैश फिल्म इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट की नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यार स्टेडियम में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ट एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो स्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कोर्टे एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो एलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुइस फेरनांडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटीज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा।
तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुष, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया ज़िमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंड एस्ट्रोच, राफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो एस्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल कोड, सीमोन हैम्प एज जोस ल्यूस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं।
1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा,
ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वैकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कॉर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो अलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेल गुड, सिमोन हैम्प एज जोस लुइस फेरनांडो कोर्टिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेपेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी अपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, सिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेवन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेवन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे।
टॉमस वुल्फ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो ल्यूको, और इसे एडिट किया जीमा मार्टी एंड्रेस गिल, और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिस्टिनो, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेस फिल्म इल एरेरो फिल्म नेटफ्लिक्स, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स, और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन, और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स, और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट, और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इन्जो वोग्रिनिशिस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉर्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपे गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कॉर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो अलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल गोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है, और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था, और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल
थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए हैं जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटीन्स, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जिमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिस्विनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑड कैश फिल्म इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ट एज रॉबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, थॉमस वुल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल कोड, सिमोन हैम्प एज जोस ल्यूस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटीज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में एफ एफ
आई वो सौ फिल्म को जारागोजा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए हैं जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिन्ज, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुष, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जियोमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑड कैश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रांस, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कोर्टे एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुइस फेरनांडो कोर्टिगियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टर्ट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ट एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, राफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला
कॉर्टे एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन वैलेंटिनियो एलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेपेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी अपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, सिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिसिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरेरो फिल्म, नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स
और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट। और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इन्जो वो ग्रीनिशिस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉर्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वैकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपे गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कॉर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो अलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल गोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टर्ट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वो ग्रीनिशिस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स ऑटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो
एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, सिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ। और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया ज़िमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिसिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेस फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशिस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉर्ड एज रॉबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, राफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपे गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, ऑगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो अलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुइस फेरनांडो कोर्टिगियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अभी अपने नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन पे दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटीन्स, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिश रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुष, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जियोमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिस्विनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑड कैश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वे और 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो जर्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रांस, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो एलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेगल गोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टर्ट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटीज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को
वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, राफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिक्यो और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिशिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी मिशन डी ऑडकेश फिल्म, इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस एज नोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ट एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो, थॉमस वुल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस्का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, राफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपिया गोंजाल्स ओटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनो अलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरनांडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम
को चिली ले जाने के लिए जॉर्डट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिच के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी अपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरीगो। बेस्ड ऑन है ले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेरसिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशियस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स, ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, शिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेबन बिग्लिराडी, रोको पोस्को, स्टेबन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, थॉमस वुल्फ और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो लिको और इसे एडिट किया जीमा मार्टी, एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिसिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेस फिल्म, इल एरेरो फिल्म, नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका, 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा, 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट, 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इंजो वोग्रिनिशियस अजनोमा टुरकाटी, मैटिस रिकॉल्ड एज रोबर्टो कैंसेसा, ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो,
टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो, डियागा वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो, स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रांस, फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच, रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच, फेलिपे गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज, अगस्टिन डेला कॉर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन, वैलेंटिनियो अलोंसो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड, सिमोन हैम्प एज जोस लुस फेरेंडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटिज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेड ए बेयोन और स्क्रीन प्ले दिए जे ए बेयोना, बर्नर्ड विल प्लाना, जेम मार्क्यूस, निकोलस कैसरिगो। बेस्ड ऑन हेले सुसाइडेड डेला न्यूए बाय पेब्लो वेर्सिया और इसे प्रोड्यूस किए हैं बैरन एंटिनजे, सैंड्रा हेरमिंड, जेडे बेयोनो और इसे स्टारिंग दिए इंजो वोग्रिनिशिस, मैडिस रिकॉल्ट, ऑगस्टिन पेरडेला, फेलिपिया कैंजेल्स ओटानो, ल्यूकिना चेटोन, वैलेंटिनो एलोंसो, फ्रांसिस्को रोमेरो, ऑगस्टिन बिरोटी, एंड्री प्रियुश, सिमोन हैम्प, जियोन क्रोशो, स्टेवन बिगलिराडी, रोको पोस्को, स्टेवन कुक्रिस्का, रफेल फेडरमैन, मैनुएलो ओलिवेरा, अगस्टिन डेला कोर्टे, टॉमस वुल्फ।
और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है पेड्रो ल्यूको और इसे एडिट किया ज्यूमा मार्टी एंड्रेस गिल और इसे म्यूजिक दी है माइकल गिस्टिनो और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मिशन डी ऑडकेश फिल्म इल एरिरो फिल्म नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट की नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट रहा है 9 सितंबर 2023 वेनिका 13 दिसंबर 2023 उरुग्वा 15 दिसंबर 2023 स्पेन और 22 दिसंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट 4 जनवरी 2024 नेटफ्लिक्स और इसका रनिंग टाइम है 144 मिनट और ये स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 60 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। इन्जो वोग्रिनिशिस अजनोमा टुरकाटी मैटिस रिकॉर्ड एज रॉबर्टो कैंसेसा ऑगस्टिन पेरडेला एज नांडो पेरोडो टॉम्स उल्फ एज गेस्टोवो ज़र्बिनो डियागो वेकाजी एज मार्केलो पेरेज डेल कैस्टिडो स्टेवन कुक्रिजेस का एज एडोल्फ फीटो एस्ट्रॉन्स फ्रांसिस्को रोमेरो एज डेनियल फ्रेंडेज स्ट्रोच रेफेल फेडरमैन एज इडुआर्डो स्ट्रोच फेलिपे गोंजाल्स ऑटोनो एज क्रेलिटोस पेज अगस्टिन डेला कोर्टे एज एंटोनियो टिनिटिन विजेंटिन वैलेंटिनियो अलोंजो एज अल्फ्रेडो पेंचो डेलगोड सिमोन हैम्प एज जोस लुइस फेरनांडो कोटिकियन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 1972 में एक रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए जॉर्टट उर्गवे वायुसेना की उड़ान 571 अप्रत्याशित घटना का अनुभव करती है और एंटीज के मध्य में एक ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 45 यात्रियों में से केवल 16 ही बच पाए। ग्रह पर सबसे दुर्गम और शत्रुतापूर्ण वातावरण में फंसे हुए उन्हें जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका अस्तित्व इस निराशाजनक स्थिति के बीच उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। फिल्म को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था। महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता के से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी। इसे सितंबर 2023 में 71वें सेन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इससे 56वें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था और 2023 में FFI उत्सव फिल्म को ज़ारागोज़ा के सिन अरगोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 को तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघर में रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने नए आए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।